कई बार ऐसी चीज मिलती है कि जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होता है। और बाबा साहब का जो संघर्ष है, आप इसको इस बात से शुरू समझे जरा कि जब वो स्कूल पढ़ने जाते थे, आप थोड़ा सा एक पल के लिए ये भी देखें कि आज हम जितने भी लोग हैं यहां देश की राजधानी में रहते हैं, 21वीं सदी में रह रहे हैं, बहुत अच्छी स्थिति में है, हम बहुत अच्छी स्थिति में। लेकिन वो जब पढ़ने जाते थे, आप कल्पना कीजिए कि इस देश का सबसे महान व्यक्ति अपने स्कूल टाइम में दरवाजे के बाहर जहां सबकी चप्पल उतरती थी वहां बैठ के पढ़ता था, उसे कमरे में भी नहीं आने दिया जाता था। उस सब के बावजूद भी आज उसी इंसान का नाम है जो कमरे में बैठ के पढ़ते थे, अच्छे घरों से थे, उनके नाम का, उनके अस्तित्व का कहीं अता पता भी नहीं है। ये है संघर्ष, ये है तरक्की। हमने कभी प्रयास किया है कि हम इससे कुछ सीख लें? कभी नहीं इस कोशिश करते साथी। और उनके जीवन का संघर्ष ये है साथियों, कितनी ही विपरीत परिस्थितियों के विरुद्ध जाकर, धारा के विरुद्ध जाकर उन्होंने उस जमाने में संघर्ष किया। और इसका अंदाजा आप उस समय से लगा सकते हैं कि जिस समय वो महाराजा बड़ौदा के यहां जिक्र आया, महाराजा बड़ौदा के यहां पर जो उनका अकाउंटेंट थे उसका काम देखते थे और चपरासी भी फाइल दूर से फेंकता था, उस बड़ौदा में उन्हें रहने के लिए कमरा नहीं मिला। और जो कमरा भी मिला वो भी जिस समय उनके विषय में पता लगा कि अछूत है, तो उनका सामान सारा उठा के बाहर फेंक दिया। उन विपरीत परिस्थितियों में वो किसी से डरे नहीं, किसी के सामने झुके नहीं, और अपने संघर्ष के लिए निरंतर प्रयास करते रहे। आप उनके जीवन संघर्ष के विषय में सोचें, अगर आप जाएंगे तो जब इंग्लैंड में वो पढ़ते थे, बहुत समय ऐसा था कि मुश्किल से दो ब्रेड चाय वगैरह पीकर ही वो गुजारा करके अपनी पढ़ाई लगातार करते थे। किसी को सिंबल ऑफ नॉलेज दुनिया में ऐसे ही नहीं दिया जाता। ये भारत नहीं है कि जहां नेताओं से अगर आपकी साठगांठ है, आपकी साठगांठ अगर अधिकारियों से है, आपकी जेब में पैसा है, तो आपको कोई भी पुरस्कार मिल जाएगा। लेकिन अगर कोलंबिया यूनिवर्सिटी के गेट पर बाबा साहब की प्रतिमा लगी हो और अमेरिका का राष्ट्रपति आकर लिखता हो, उसका उद्घाटन करता हो और वहां लिखा हो सिंबल ऑफ नॉलेज, इसका कुछ मतलब है। और वो उनके सतत संघर्ष की वजह से ही उन्हें मिला। आज जब भी कहीं फंस जाते हैं तो वही देखते हैं उन्होंने क्या कहा था, उन परिस्थितियों में क्या कहा था, संविधान में क्या कहा था, संविधान की डिबेट में क्या कहा था। हम लोग वकील हैं, हमें तो संविधान पढ़ना चाहिए, लेकिन ईमानदारी से अपने अंदर झांक के देखिए हम में से कितने लोग हैं जो संविधान के विषय में कुछ भी पढ़ते हैं। थोड़ा सा पढ़िए संविधान में जो मूल अधिकार दिए हैं उन्हें पढ़िए, और उसके साथ साथ पढ़िए जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। अगर इतना भी पढ़ लिया तो हम समझ जाएंगे कि हमें कुछ करना है, अभी हम उसे भी नहीं जानते। पर फिर भी अगर कोई बात होती है, जब फंसते हैं तो उसी समय संविधान में, उस समय डिबेट हुई थी उसमें क्या कहा था, किन परिस्थितियों में ये सारी चीजें बनाई गई, लागू की गई, उसमें झांक कर देखते हैं। अगर हमारे वर्तमान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये कहते हैं कि हम बाबा साहब के ऋणी हैं, इसका कोई अर्थ है, इसका कोई मतलब है? तो हम बाबा साहब के जीवन संघर्ष से अगर चाहें तो बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैं दो उदाहरण आपको बताऊंगा साथियों। इस देश में आंदोलन चला सीएनआरसी के खिलाफ, जितने भी लोग सीएनआरसी के आंदोलन में थे, चंद सामाजिक कार्यकर्ताओं को छोड़कर बाकी कोई न बाबा साहब को मानता था, न सम्मान देता था, और न ही संविधान को जानता और संविधान के विषय में जानने का प्रयास करता था। लेकिन जब लड़ाई आगे बढ़ी, हम लोगों ने जब सारी चीजें एक एक करके बताई, संविधान के प्रावधानों को बताया, तो उसी आंदोलन के मंच पर बाबा साहब की प्रतिमा भी आई, संविधान की प्रियम्बल भी आई, और सारा सब कुछ होने लगा कि भैया संविधान को पढ़ो। इसी तरह से और बताता हूं साथियों आपको, एक और चीज देखे साथियों। साथियों उधर मत सोचिए, उधर कुछ नहीं, मैं अभी आपको बता रहा हूं कि इतना जीवन संघर्ष किया उन्होंने कि दो ब्रेड और एक चाय
कई दिन उन्होंने बताए, लेकिन अपनी शिक्षा को उन्होंने जारी रखा। इस सब के बावजूद आप देखेंगे किसान आंदोलन हुआ 13 महीने, उस किसान आंदोलन में 13 महीने हम कंधे से कंधा मिलाकर साथ में रहे। उस किसान आंदोलन में भी शुरू शुरू में बाबा साहब का अगर नाम ले दो आप तो सबको बहुत ऐसा लगता था जैसे करंट लगता हो, लेकिन जैसे जैसे महीना बीता और बात आने लगी संविधान की, भैया संविधान ही बचाएगा, तो वहां भी बाबा साहब की प्रतिमा भी आई, संविधान की प्रीएम्बल भी आई, लोगों ने पढ़ा, लोगों को बताया। ये सब बात बताने का मेरा केवल एक मकसद है। अभी यहां पर बहुत अच्छी बात कही हमारे गोस्वामी साहब ने, कही कि बाबा साहब को केवल जाति में नहीं बांधा। निश्चित रूप से बाबा साहब भारत के नेता हैं, देश के नेता हैं, उनसे बड़ा राष्ट्रभक्त कौन होगा कि जिन लोगों ने उनको और उनके समाज की जिंदगी को नरक से भी बदतर बना दिया, जब संविधान लिखा तो उनके खिलाफ भी कोई भेदभाव नहीं किया, सबके अधिकारों की रक्षा की, सबको दिया, कभी किसी के खिलाफ कोई मतलब किसी भी तरह की भावना देश की नहीं रखी। जो बाबा साहब, हम जिस तरह से हम कह देते हैं कि नहीं अरे यार उनके नेता नहीं, कोई भी इंसान हो अगर दुनिया में किसी को सिंबल ऑफ नॉलेज का खिताब दिया जा रहा है कुछ तो होगा। उसको जानने में, उसको पढ़ने में जाति और धर्म से अलग हटकर क्या जाता है हमारा। और जिसने बाबा साहब को पढ़ा उसकी हिम्मत नहीं हुई कि उनके खिलाफ एक शब्द भी बोल पाए। तो हम जानते नहीं हैं अपनी जाति के अहंकार में, अपने धर्म के अहंकार में जो मन में आता है हम कह देते हैं, लेकिन जिसने पढ़ लिया उसका सर उनके सामने झुके बिना रहता नहीं है, क्योंकि वो वाकई में महामानव थे। महामानव, महामानव यूं ही नहीं कोई बन जाता। आज जैसे मैंने भी आपको बताया हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि बाबा साहब बैठे हुए पढ़ रहे थे, बच्चा बीमार था और उनको डॉक्टर को बुला के दिखाया बच्चे को और पर्ची उससे दवाई लिख के दी, बाबा साहब को जाके दे दी कि दवाई मंगा लो। बाबा साहब ने पर्ची ले दी थी हाथ में रखे, दवाई नहीं मंगा पाए और बच्चे की डेथ हो गई। और उसके बाद जब डेथ हो गई तो कहा भाई दवाई के भाई पैसे नहीं है, तो कह रहे अंतिम संस्कार के लिए तो कुछ करो, कि अंतिम संस्कार के बाद अगर कुछ होता तो दवाई नहीं मंगा लेता मैं, दवाई ही नहीं मंगा लेता। लेकिन इतनी बुरी परिस्थितियों में रहते हुए भी उन्होंने हर इंसान के लिए किया, सबके लिए किया। आज मुझे कहना नहीं चाहिए पर फिर भी मैं समझता हूं कहना जरूरी है, हमारे देश में लोग कहां कहां भटकते फिरते हैं, कहां कहां। अगर हम ध्यान से ऐसे महापुरुषों के जीवन संघर्ष को पढ़ लें और अपने देश के संविधान को पढ़ लें तो मैं समझता हूं कहीं भटकना नहीं पड़े। अभी हमारे साथी कह रहे थे, बहुत अच्छी बात कह रहे थे, हम लीगल फ्रेटर्निटी हैं। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, कितना संघर्ष किया है अपने देश के लिए बताइए आप सब लोग। इस दिल्ली में 60,000 से ज्यादा वकील हैं, इस देश में लाखों वकील हैं, जब देश इतने बुरे दौर से गुजर रहा है कहां है आपका संघर्ष, कहीं दिखाई देता है? अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।